गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 वर्णमाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वे वर्ण कहलाते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे मुंह से जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबने पढ़ रखे हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं हमारे? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे स्वर? ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ। ठीक है, ये हमारे कितने हैं? 11 हैं। ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? स्वर। आगे नेक्स्ट देखिए, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं हमारे? व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी कि 33। कै ख ग घ ण च छ ज झ न टै ठ डै ठ न तै थ तै थ न पै फ ब भ म य र ल व श श स ह। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि 33। ठीक है, ओके बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी कि हम जो मुख से बोलते हैं अपने, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने स्वर और व्यंजन पढ़ रखे हैं पहले केजी क्लास में भी, नर्सरी क्लास में भी पढ़ के आते हैं आप। स्वर क्या होते हैं हमारे? ए आ ई होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 11, यानी कि 11। और जो व्यंजन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 33, यानी कि 33। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमारे स्वर कितने होते हैं? 11, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33। ठीक है, इसमें हमारे ये होते हैं ए, ठीक है, ये हमारे बिंदु अह, ये हमारे अयोग भाव बोलते हैं इसे, और ये हमारा क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। ये वर्ण न स्वर है और न ही व्यंजन है। हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, आगे है श्र क्षत्रिय वाला श्रय, त्र त्रिशूल त्रय, ये ज्ञानी, और श्र श्रमिक वाले। ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी कि ये एक वर्ण नहीं होता, इसमें दो होते हैं। जैसे श्र त्रय, तय और र से मिल के बना है। ठीक है, उसके बाद है छड़। अब हमारे में डै एक और है, ये और ये न अढ़, ठीक है, जिसके नीचे बिंदु लगती है। ये व्यंजन में शामिल किए गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना ही करना है कि जो हमारे स्वर हैं वो 11 होते हैं, ठीक है, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, स्वर ए से लेकर औ तक। ठीक है, और ये हमारे कै ख ग व्यंजन, ये कितने होते हैं? 33, यानी कि 33। ओके बच्चों।